Find the HCF of, find the HCF of 12, 18 and 20. Find the HCF of 12, 18 and 20. जो ट्रिक से कायदा सीधे करता हूँ 12, 18 and 20. 18 and 20. जल्दी हाँ करो कितना आंसर सभी का आया यस सर अंदर किसको लिखना है 18 बार 12 को 12 बार 12 18 में से 12 में कितने बचे 6 अब 6 से चेक करो 12 जाता है 6 सूजा 12 तो चला जाता है तो हमारे पास HCF क्या हुआ 6 HCF 6 कब होगा जब आप चेक करोगे कि जो 20 है वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं 6 से हो जाता डिवाइड 20 तो फिर ऐसे कैसे हो नहीं होना तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स If the HCF of two numbers is, if the HCF of two numbers is 40 and LCM of two numbers and LCM of two numbers is 20 and the first number is and the first number is 10 and the first number is 10. Find the second number. Find the second number. Find the second number. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आदमी के लिए कितना आंसर जल्दी बोलो 80 सभी का आया पहले इस क्वेश्चन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है जी फर्स्ट नंबर सेकंड इन सेकंड नंबर एज इक्वल्स टू एचसीएफ एंड टू एलसीएम ठीक है फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास 10 एंड सेकंड नंबर फाइंड करना था इसकी जगह एक्स रख लो एंड एचसीएफ क्या था 40 एंड एलसीएम 20 तो x फाइंड कर रहे हैं x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10 इज इक्वल्स टू क्या साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड देन x इज इक्वल्स टू 40 × 20 अपॉन में 10 अब ये कैंसिल कर देंगे चाहे 40 से कैंसिल कर दो चाहे 20 से तो 10 वंस आर 10 एंड 10 फोर्स आर 40 तो x की वैल्यू क्या आई 4 × 20 तो आपके पास x क्या था सेकंड नंबर था तो सेकंड नंबर कितना आ गया जी 80 आज हम अगली टाइप करेंगे इसी क्वेश्चन में लिखो क्वेश्चन इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 40 इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स And the product of both the numbers and the product of both the numbers is 4000 is 4000 and the product of both the numbers is 4000 then find the LCM जल्दी करो दो मिनट घूमा रही करो ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि अगर प्रोडक्ट दिया दोनों नंबर्स का कितना 4000 एंड एचसीएफ दिया 40 देन फाइंड द एलसीएम कितना सर
चेक कर लेते हैं जी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू बोलो सारे एचसीएफ इनटू एलसीएम एलसीएम। अब क्वेश्चन में आपको ये बताया कि एचसीएफ कितना है 40 आपको एचसीएफ कितना दिया जी 40 तो एचसीएफ के नीचे 40 रखा और फाइंड क्या करना है बोल नंबर एलसीएम फाइंड क्या करना है देखो ध्यान से लास्ट में फाइंड द एलसीएम तो एलसीएम की जगह मैंने क्या रख लिया एक्स ठीक है एलसीएम को मैंने क्या मान लिया एक्स और ये बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज 4000 सबसे पहले मुझे ये बताओ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसको क्या बोलेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट हमें सीधा ही दे दिया आपकी बार कितना कि इन दोनों की जगह हम क्या रख लेंगे अब सीधा 4000 ये मतलब हुआ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स बोथ द नंबर्स का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बन गए फोर्थ नंबर ठीक है और हो क्या रहा है मल्टीप्लाई तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज 4000 कि दोनों का प्रोडक्ट इस बार सीधा ही दे दिया कितना है 4000 और एचसीएफ आपको 40 दिया है एलसीएम एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप जी क्या करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 40 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4000 अपॉन में 40 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 4 1 4 दो जीरो थी पीछे दो जीरो लगा दी तो एक्स की वैल्यू क्या आई 100 जिसका आंसर 100 आया वेरी गुड दिस इज कॉल्ड योर एलसीएम एनी डाउट सर एनी डाउट हां जी सम आ गया क्या हुआ क्वेश्चन में सम दे दिया सम हो ही नहीं सकता इसमें सम कहां हो रहा है प्लस हो रहा है नहीं अन्य अंतर नहीं है पॉसिबल ही नहीं है फॉर्मूला ही फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट सेकंड नंबर है एलसीएम एचसीएफ इनटू एलसीएम तो इसमें सम कहां से आता नहीं हो सकता लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज if the product of both the numbers is 28000 if the product of both the numbers is 28000 and the hcf of both the numbers is and the hcf of both the numbers is 4 and the hcf of both the numbers is 4 find the lcm Find the LCM. Find the LCM. जल्दी आंसर जल्दी आना चाहिए सभी का मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा तो 28000 अपॉन 4 कर दिया इज इक्वल्स टू एलसीएम आया तो इसको डिवाइड किया कितना आया 4 7 28 ट्रिपल जीरो के पीछे तो ट्रिपल जीरो लगाई एंड एलसीएम कितना आ गया आपको यहां से 7000 एनी डाउट अब इस क्वेश्चन में पक्का एलसीएम का सिंपल क्वेश्चन भी करा दिया एलसीएफ का सिंपल भी करा दिया ठीक है प्रोडक्ट वाला मेथड भी करा दिया अब एक रेशियो का क्वेश्चन आपको देता हूं इसमें सम हो गया इसमें अब एक रेशियो में आपको क्वेश्चन देता हूं मैं लिखो क्वेश्चन आज एक रेशियो का क्वेश्चन करते हैं टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 रेशो बनाई थी ना आपको मैंने बस आज वो क्वेश्चन दिया दे रहा हूँ टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:5 एंड देयर सम इज
and their sum is 180 and their sum is 180 and their sum is 180. Find the difference of both the numbers. Find the difference of both the numbers. चलिए निकालो उसे, दो मिनट दे। देखो भी, मैंने क्या बोला, दो नंबर थे रेशो में, क्या नंबर थे दोनों? 4:5. हम इनके साथ एक्स लगाते हैं हमेशा, बताते हैं भी। कहता इन दोनों नंबर्स का सम, इन दोनों नंबर्स क्या सम, पहले तो ये बताओ सम को क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। मतलब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है? प्लस करना है। बाद में रिजल्ट क्या बना भी? 9x. बाद में रिजल्ट क्या बना? 9x. इन दोनों नंबर्स को सम करके बाद में आपको रिजल्ट क्या बताया? 180. तो लास्ट में नंबर क्या बना? 180. तो पहले इन दोनों नंबर्स को सम करूंगा, प्लस करूंगा, 5x प्लस 4x कितना हो गया? 9x. और 9x यूनिट किसके बराबर हो गई? 180. तो यहां से 1x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई? 9. तो 9 दूंगा 18 एंड 0 था तो 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20. अब आपको मैंने ये बोला कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। दो नंबर्स क्या थे आपके पास? एक 4x था, एक 5x था। फर्स्ट नंबर क्या है? 4x एंड सेकंड नंबर क्या है? 5x। मैंने बोला फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आया? 1x। अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखा जाए तो 1x आया, 5x - 4x कितना? 1x। तो इन नंबर्स का डिफरेंस आया 1x। तो 1 के साथ x लगा है, x की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी? 20. अगर आपने ऐसे नहीं करना तो यहीं से पता कर लो कि जैसे ये x की वैल्यू क्या है? 20. पहले इस x में पुट करो, 420 सा। पहले पहला नंबर क्या आपके पास? 4x है ना, 4 × 20 कितना हो गया? 80. और दूसरा नंबर क्या आपके पास? 5x. तो 5 × 20 कितना हो गया? 100 हो गया। मैंने बोला था दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या आएगा? 100 - 80, तो कितना आया डिफरेंस? दिस इज योर राइट आंसर। एनी डाउट? किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में। टू नंबर्स आर इन द रेशो, थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में। टू नंबर्स आर इन द रेशो 6:7, या फिर कर दो 6:11, एंड द डिफरेंसेस 520 एंड देयर डिफरेंस इज 520, 520. Find the sum of both the numbers. इसके बाद एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन दूंगा रेशो का, ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशो का, वो भी बार बार आर्मी में आता है, वो क्वेश्चन हर बार आता है। डिफरेंस
आई विजिट कर सर एनीबडी इन द क्लास देखो जी कहता टू नंबर्स आर इन द रेशियो दो नंबर थे रेशियो में कौन से सिक्स एंड इलेवन सिक्स रेशियो इलेवन इनके साथ एक्स लगा दूं क्लियर बात है ठीक है दो नंबर्स रेशियो में थे अब बोला ये गया इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया आपको 520 इन दोनों का डिफरेंस पहले तो ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस डिफरेंस को क्या बोलते हैं माइनस कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 520 तो कर दो माइनस 11x में से 6x के कितने बचेगी 5x तो 5x किसके बराबर है 520 के बराबर है यहाँ पे 5 1x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 520 अपॉन में 5 ठीक है 5 10 50 2 बचा 5 4 20 तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई आपके पास 104 ठीक है अब जब आपके पास x की वैल्यू 104 आ गई तो आपको ये पूछा था फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स दोनों नंबर कौन से थे पहला नंबर 6x था दूसरा नंबर क्या था 11x दोनों का क्या करना है अब सम कर दो 11 और 6 कितने हो गए 6 11x और 6x कितने हो गए 13x ठीक है 13x हुए x की वैल्यू क्या थी 104 तो 17 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 104 से कितना आंसर आया 1700 चेक कर लेना आंसर एक बार सही है जब ठीक है जी क्लियर है अब एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो आर्मी वाले हमेशा बैक टू बैक क्वेश्चन पूछते हैं वही सेम उसी लैंग्वेज में ये समझ आया सबको लिखो क्वेश्चन There are, question लिखो, there are 40% of the girls, there are 40% of the girls, इसको भी ratio method से करना है जितना हो सके, there are 40% of the girls in the school, girls in the school, and the total number of boys in the school is And there are 40% of the girls in the school, and total number of boys in the school, and total number of boys in the school is 300. Find the number of girls. Find the total number of गर्ल्स निकालो बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी आता है कई बार आते हैं बहुत बड़ा है और सेटिंग में आ जाएगा जहाँ आपको रेशो में दोनों मेथड यूज करेंगे आज आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है इसमें एलसीएम एचसीएफ भी चलेगा रेशो भी चलेगा परसेंटेज भी चलाऊंगा हो सके तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी चलाऊंगा ठीक है प्रैक्टिस में चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आता है निकालो आया किसी से कितना सर चेक कर लेते हैं आपका 200 या 100 चेक कर लेते मैंने बोला ध्यान से समझना सारे क्वेश्चन को कैंड डाउन सभी ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को मैंने बोला देर आर 40% ऑफ गर्ल्स 40% क्या है
गर्ल्स है, पहले इसका मतलब समझना कि 40% क्या है स्कूल में गर्ल्स है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू खोलो कितनी आई, इसको आपने खोला 40% को कैसे खोलेंगे, 40/100 करेंगे तो सीधा आपके पास आंसर आएगा 2/5। आपको क्या बताया था जो नीचे वैल्यू थी, ये क्या होती है टोटल वैल्यू, मतलब टोटल कितने बच्चे थे स्कूल में, पांच, तो टोटल स्टूडेंट्स थे 5 और 2 क्या है गर्ल्स दिया था 40% ऑफ गर्ल्स, तो मतलब ये जो 2 रिजल्ट आया ये क्या है गर्ल्स, तो स्कूल में गर्ल्स कितनी है गर्ल्स, अगर आपके 5 टोटल बच्चे थे स्कूल में, कितने बच्चे थे 5 और 2 उसमें क्या थी गर्ल्स, तो भाई बॉयज कितने बचे होंगे, 3 बॉयज बचे होंगे और आपको क्वेश्चन में कितने बॉयज दिए हैं 300, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गई 300, यहां से 3 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 अपॉन 3 300 कौन सा टोटल बॉयज दिया था, टोटल बॉयज यहां पे टोटल बॉयज कितने थे, अगर 5 सुन ले 5 अगर स्टूडेंट्स थे पूरे स्कूल में, 2 थी गर्ल्स, तो बॉयज कितने बचे 3 बचे, बॉयज 3 बचे ना, आपके क्वेश्चन में बॉयज कितने दिए हैं 300 दिए हैं, तो 3 यूनिट किसके बराबर 300 के बराबर, तो 1 यूनिट है, जब आप निकालोगे तो 3 1 3 20 और 1 यूनिट कितनी आई आपके पास 100। यहां तक बातचीत क्लियर है सबको, यस सर। 1 यूनिट आपकी आपकी आ गई आपके पास है कितनी 100, जब 1 यूनिट आपके पास 100 आ गई तो आपको पूछा गया था निकालने के लिए गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पे गर्ल्स कितनी दी है 2 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट को, निकल आंसर आया 200 इज योर राइट आंसर। हां जी क्लियर है बात ही सबको, कितना आंसर आया 200 समझ आया सबको, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ ना आया, चलो एक क्वेश्चन हो गई होगा इसी में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है देर आ 16 सही 1/2 16 सही 2/3 16 सही 2/3% आर गर्ल्स इन द स्कूल, आर गर्ल्स इन द स्कूल 16 सही 2/3% आर गर्ल्स इन द स्कूल एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज and the total number of girls is 100. Find the number of boys. आपको इस क्वेश्चन को निकालने के लिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या पता किसी को इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6, ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नीचे क्या लगा दिए 2 0 0 से परसेंटेज को बोलने के लिए 2 0 लगाते हैं ना नीचे, तो 2 0 लगा दिए 0 से 0 कैंसिल 5 1 5 5 6 30, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी, क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ो, फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करना पड़ेगी बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पेपर में अगर आप ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी। चलो देखो क्वेश्चन कहता है देयर आर
16 सही, 2/3% क्या है गर्ल्स इन द स्कूल। कहने का मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे स्कूल में, टोटल स्टूडेंट थे 6, उसमें से एक क्या थी गर्ल थी और बाकी जो बचे वो क्या थे बॉयज। कितने बचे, यहाँ पे 5 क्या है बॉयज। क्लियर है बातचीत, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आपको गिवन वैल्यू क्या है, ये 100 क्या दिए गर्ल्स या बॉयज, ये 100 गर्ल्स दी है तो इधर गर्ल्स कितनी थी तो सीधा एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 100 के बराबर हो गई, ठीक है बातचीत। जब एक यूनिट आपकी आ गई तो क्वेश्चन में देखना पूछा क्या है, क्या पूछा क्वेश्चन में, बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने थे, 5 थे और एक यूनिट क्या थी 100, तो 5 को 100 से क्या कर दो गुना, तो कितना आ गया 500 इज योर बॉयज, ठीक है क्लियर है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का।